कश्यप ने सेवा केंद्र एवं कॉमन सर्विस सेंटर का किया शुभारंभ। केंद्रीय इंचार्ज की ओर से इंद्री में किए गए उचित प्रबंध, शिक्षा को बेहतर बनाने के प्रयास। सरकार द्वारा निर्धारित कामों के रेट केंद्र संचालन में लगेंगे। केंद्रों में सरकारी अनेक सेवाएं देने के आदेश। इंद्री के विधायक राम कुमार कश्यप ने तहसील भवन इंद्री में आधार सेवा केंद्र एवं कॉमन सर्विस सेंटर का शुभारंभ किया। केंद्र में लोगों को आधार कार्ड बनवाने व त्रुटि ठीक करने संबंधी सेवाएं सरकार द्वारा निर्धारित रेट में मिलेंगे। विधायक राम कुमार कश्यप ने कहा कि आधार सेवा केंद्र में आधार कार्ड बनवाने एवं ठीक करने संबंधी काम के लिए प्रशासन की तरफ से भवन में एक कमरा दिया गया है। केंद्र के इंचार्ज की ओर से यहां उचित प्रबंध किए गए हैं। नागरिक यहां केंद्र में आकर आधार कार्ड बनवा सकते हैं और यदि आधार कार्ड में कोई गलती है तो उसे भी ठीक करवा सकते हैं। इसके अलावा अनेक गांवों में सरकार की ओर से इस तरह के केंद्र खोले गए हैं। लोग अपने क्षेत्र में भी ऐसे केंद्रों के माध्यम से सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। आज हमारे लिए आधार कार्ड का बड़ा महत्व है। अधिकतर कामों में आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है, इसीलिए सभी लोग अपने आधार कार्ड बनवाए और सरकार की योजनाओं का लाभ लें। प्रशासन की ओर से खोले गए ऐसे केंद्रों में सरकार द्वारा निर्धारित रेट लिए जाते हैं। विधायक ने शिक्षा नीति पर बोलते हुए कहा कि हमारी सरकार शिक्षा को बेहतर बना रही है और सरकार की शिक्षा नीति सही है। एसडीएम सुमित सिहाग ने कहा कि आधार सेवा केंद्र के सुपरवाइजर ने जिला उपायुक्त से इजाजत लेने के बाद यहां भवन में सेंटर खोला है। तहसील, एसडीएम ऑफिस आदि यहां कार्यालय हैं और रोज अनेक लोग कार्यालयों में आते हैं। सेंटर खुलने से यहां लोगों को फायदा होगा, लोगों को काफी सुविधाएं मिलेगी। सरकार द्वारा निर्धारित कामों के रेट केंद्र संचालक लेंगे। उन्होंने कहा कि कार्यालय में यहां बने सरल एवं अन्य केंद्रों में सरकारी अनेक सेवाएं दी जा रही हैं। देखिए, आधार सेंटर दिया जाता है एक सुपरवाइजर को, तो सुपरवाइजर ने माननीय डीसी साहब की तरफ से अप्रूवल लेकर हमारे बिल्डिंग परिसर में ये खोला गया है। सुपरवाइजर हैं ये बलराम गुप्ता। तो ये आधार सेंटर जनता की सुविधा के लिए यहाँ खोला गया है, क्योंकि तहसील, एसडीएम ऑफिस और जुडिशरी, यहाँ पर तीनों चीज़ हैं तो ज़्यादातर लोगों की आवाजाही रहती है। शहर की नागरिकों का सबसे, मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा जहाँ आवाजाही रहती है तो वो यही है। तो ऐसे में इनको यहाँ पर ये सुविधा दी जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो अपना आधार कार्ड बनवाना चाहता है, कोई उसमें चेंज करवाना चाहता है, कई बार आपने देखा होगा कि लोग एड्रेस या फिर कई बार नाम की स्पेलिंग में गलती होती है, ऐसी चीज़ों के लिए बड़े परेशान होते हैं, तो ऐसी सुविधाएँ यहाँ पर दी जाएंगी। सुपरवाइज़र यहाँ बलराम गुप्ता होंगे। इनको हमने सख्त हिदायत दी है कि जो रेट लिस्ट है उसको यहाँ बाहर लगाएं और जनता को जो तय निर्धारित रेट हैं उसी में ये सेवा प्रदान की जाए। और यहाँ पर कई बार ऐसा भी देखा गया है कि आधार कार्ड के लिए जो है कि यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर किसी न किसी सेवा में आधार कार्ड की ज़रूरत होती है, फिर उसके लिए उन्हें इधर उधर जाना पड़ता है, तो नागरिकों को ये सुविधा भी यहीं प्रोवाइड कर दी जाए। रेट निर्धारित किए गए हैं जी, सरकार के द्वारा निर्धारित है रेट, वो रेट लिस्ट ये लगा देंगे और बिल्कुल भी उसी के अंतर्गत जो है ये रेट चार्ज किए जाएंगे। बिल्कुल भी इन्हें सख्त हिदायत दी गई है, कोई भी एक्स्ट्रा रेट ना लिया जाए। फिलहाल ऑफिस में किस प्रकार की सेवाएं दी जा रही है? केंद्र वगैरह सरल केंद्र में लाइसेंस, RC, NOC लेनी है, ये सब जो वाहन से संबंधित, लाइसेंस से संबंधित हैं वो SDM ऑफिस में सरल केंद्र में दी जा रही हैं। और सरल केंद्र में बर्थ डेथ रजिस्ट्रेशन, मैरिज रजिस्ट्रेशन, इनकम सर्टिफिकेट, जमाबंदी फर्द, जो तहसील के अन्य कार्य हैं वो सभी जो हैं सरल केंद्र के माध्यम से दिए जा रहे हैं। आज आप देख रहे हैं ये जो अपना तहसील कैंप है, यहीं के इसी के अंदर एक कमरा जो है उसमें आधार कार्ड बनाने की सुविधा दी गई है अपनी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, तो उसका आज उद्घाटन था। उसको बलराम गुप्ता जी देख रहे हैं। उन्होंने आधार कार्ड बनाने के लिए अपना यहाँ पर सारा मशीनें वगैरह यहाँ पर प्रबंध किया है, तो यहाँ पर आकर के नागरिक जो अपना आधार कार्ड बनवा पाएंगे। आधार कार्ड में कोई गलती रह गई है, पिता का नाम गलत है, स्पेलिंग गलत है, एज ऑफ डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो ये सारा यहाँ पर काम होगा तो यहाँ पर ठीक रह पाएगा। आज आधार कार्ड के हमारे जीवन में बहुत महत्व बढ़ गया है। अगर आज हम बैंक में खाता खुलाएंगे तो आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी, अपना ID खुलवाएंगे आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी, इवन रजिस्ट्री कराते हैं कराएंगे तो वहाँ आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। इसलिए आधार कार्ड हमारे जीवन में बहुत महत्व हो गया। देखो, जिनके आधार कार्ड नहीं बने उनको आधार कार्ड बनवाना तो पड़ेगा उनको, अगर उनको कोई काम कराना है तो आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। इवन अगर गरीब आदमी है उनके खाते में भी जैसे डायरेक्ट पैसा आता है, कोई नरेगा का है, कुछ हो रहा है, तो बैंक खाता खुलाना पड़ता है, आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है, उसका लिंक कर दिया जाता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ इसके बनने से, देखो ये तहसील कैंप भी है, SDM ऑफिस भी यहाँ पर है, कोर्ट भी यहाँ पर है, सभी नागरिक नज़दीकी सुविधा का फ़ायदा उठा पाएंगे। इससे गरीबों को फ़ायदा होगा, जो
बाहर जो रेट थे कार्ड बनवाने के, वो शायद हो सकता है वो उससे कम रेट होंगे। यहाँ पर जो गवर्नमेंट की तरफ से तय रेट हैं वो तय रेट होंगे। तो मैं समझता हूँ इससे कोई किसी गरीब आदमी का एक्सप्लेटेशन नहीं होगा रेट के मामले में, तो उसको उचित फीस दे करके अपना वो काम करा पाएगा। तो उसके लिए मैं बलराम जी ने ये काम शुरू किया है, गुप्ता जी ने, उसको बधाई देता हूँ। और मैं धन्यवाद करता हूँ एसडीएम साहब का, जिनकी रहनुमाई में ये सारा प्रबंध किया गया, उन्होंने ये सारा रूम का अरेंजमेंट किया, बहुत अच्छा ये काम करा है, तो इसके लिए मैं इनका धन्यवाद भी करता हूँ। तो क्या है, जो लड़कियों का जो एजुकेशन में, जो हायर एजुकेशन में जाती थी, तो वहाँ पर इनरोलमेंट लड़कियों का बहुत कम था, तो 32% के लगभग होगा। अब इस नई शिक्षा नीति में एक टारगेट लिया गया है, तो आने वाले 4-5 साल में 50% लड़कियाँ वो शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा टारगेट लेकर चलें। तो इस नई शिक्षा में लड़कियों को आगे शिक्षा देने का इसमें ज़्यादा जोर दिया गया है, तो मैं ऐसा मानना करता हूँ। बाकी ये जो शिक्षा नीति है ये कोई बाउंडेशन नहीं है स्टेटों पर, केंद्र ने ये स्टेट पे छोड़ दिया, ये स्टेट का मामला है, उसको शिक्षा नीति को माने या नहीं माने, परंतु हमारी सरकार ने इसको मान लिया, माने हरियाणा सरकार ने, और इससे इसके अच्छे रिजल्ट ही आने आए, मैं ऐसा कह सकता हूँ। जल्दी ही ये तैयार हो जाएगी, दिसंबर जैसे अभी ये बरसातें हो रही हैं, बरसातों में थोड़ा बहुत इसमें प्रॉब्लम आई जाती है कि मिट्टी की या कहीं लेबर की है, तो दिसंबर तक इसको पूरा कर लिया जाएगा। और जब पूरा कर लिया जाएगा तो बहुत बढ़िया ये कैंपस बन जाएगा, बड़ा साफ सुथरा सुंदर ये वातावरण यहाँ पर नजर आएगा। तो पार्किंग की बड़ी समस्या है यहाँ, रोड के ऊपर भी ज़्यादा गाड़ियाँ कट रही हैं। मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छा आपका प्रश्न है, ये पार्किंग की समस्या यहाँ नहीं है, ये समस्या सब जगह मिलेगी आप, क्योंकि हमारी आबादी बढ़ रही है और हमारे व्हीकल कितने आ रहे हैं, डेली आ रहे हैं, तो समस्या है। परंतु इस समस्या का ये सरकार के संज्ञान में, प्रशासन के संज्ञान में, इस समस्या को भी जैसे कैसे होगा इसको भी काबू करने का काम किया जाए, कंट्रोल करने का काम किया जाए।